हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज़। आज की वीडियो में हम कुछ टूल्स हैं स्लैब के रिगार्डिंग, उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टूल है वो है स्नैप प्लेट। प्लेट को ही हम बोलते हैं स्लैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ स्पेस फाइल का नाम डाल देता हूँ प्लेट, कुछ भी ले सकते हैं फाइल का नाम, मीटर किलो न्यूटन। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट इसमें बटन आ रहा है आपका ऐड प्लेट। ठीक है, ऐड प्लेट पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इमेज भी नजर आ रही होगी आपको। इस इमेज में ऐड प्लेट का मतलब है कि अगर हम ऐड प्लेट पर क्लिक करने के बाद फिनिश करते हैं तो जो हमारा माउस का कर्सर है वो ऑटोमेटिक कहीं भी क्लिक करोगे ग्रिड में तो क्या बनाएगा, प्लेट। ठीक है, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं फिनिश। देखिए अब मैं ग्रिड पे क्लिक करता हूँ, देखिए जॉइंट ऐसे स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ क्लिक मांग रहा है। चार क्लिक करने के बाद स्केप बटन दबाता हूँ और अब मैं जरा आउटपुट में देखता हूँ। देखिए आप देख रहे हो उसकी लाइन ब्लैक की जगह पर थोड़ी ग्रीनिश है ना। और मैं 3D में जाकर देखता हूँ कि ये कैसे दिखाई देती है इमेज। ये देखिए ये प्लेट बन गई। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे थे ऐड प्लेट की वो ये है। और स्नैप प्लेट क्या है, क्या प्लेट बनाना है मेरे को दोबारा से यहाँ पे, तो मुझे प्लेट बनाने के लिए कर्सर चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे है, ये ग्रिड जो है प्लेट ग्रिड है और यहाँ पे आपका स्नैप, देखिए स्नैप बटन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा माउस का कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा प्लेट बनाने के लिए। क्लिक किया और दोबारा से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट इनफिल प्लेट। उससे पहले मैं बताऊंगा आपको जनरेट प्लेट मैशिंग। ठीक है, तो इन प्लेट को डिलीट कर देते हैं। प्लेट को डिलीट करने के लिए प्लेट कर्सर चाहिए होगा, सेलेक्ट करेंगे प्लेट कर्सर होता है आपका ये, जिससे आपके प्लेट सिलेक्ट होती है। बीम कर्सर से नहीं होगी, इसके लिए अलग कर्सर है इसको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने एक कर्सर लिया हुआ है, सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट कर दिया और दोबारा मैं ग्रिड ऑन करता हूँ और प्लेट बनाता हूँ। देखिए क्या बन चुके हैं, चार बीम। ग्रिड क्लोज देता हूँ। प्लेट बनाने के लिए मुझे प्लेट कर्सर लेना होगा, वो इससे होता है, ये भी प्लेट कर्सर है, यहाँ से भी बना सकते हैं आप। ये है आपका प्लेट कर्सर। इसके लिए मुझे चारों जॉइंट पे क्लिक करना होगा। इस तरह से लोग में अब बात करते हैं कि हम ऐसे चलें क्लिक करते हुए या ऐसे चलें क्लिक करते हुए। ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर आप ऐसे चलते हो क्लॉकवाइज तो क्या होगा, आपका प्लेट का टॉप इधर होगा, अब बैक साइड उधर होगी। और अगर इस तरह से चलते हो आप तो आपका टॉप पीछे वाला होगा और आगे वाला बॉटम होगा। तो मैंने प्लेट बटन पर क्लिक करके चारों नोट पर क्लिक किया, ये प्लेट बन गई हमारी। 3D में देखते हैं, ये देखिए। तो प्लेट मैश क्या होता है कि प्लेट का सबसे आपने इस पर क्लिक किया और ये रहा जनरेट प्लेट मैश। देखिए तो जनरेट प्लेट मैश, इस पर आप क्लिक करेंगे। दरअसल मैशिंग होती क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना किसी चीज़ को, जैसे प्लेट है आप चाहते हो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, FEM मॉडलिंग जिसे कहते हैं, उसलिए हमारी ये मैश काम आती है। तो राइट क्लिक करके जनरेट प्लेट मैश। अब ये पूछेगा कि पॉलीगनल मैशिंग करनी है कि ट्रायंगुलर, यानी कि ऐसे ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है आपको अपनी स्लैब को, या रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड करना है ये पूछ रहा है। तो हम रेक्टेंगुलर कर लेके देखते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए ये पूछ रहा है कि चार साइड है ABCD, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड, जैसे ए है ना, ये दिया हो ना ए,
कितना डिवीजन दिया हुआ है, 10, यानी कि 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे ऐसे। अगर आपका सी भी 10 है तो बिल्कुल ये कट के ऐसे कट लग जाएगा। सी कम है तो जैसे कि ये स्लैब है और ये ए है आपका और ये है सी। ए में आपने डाला 10, सी में डाला 5, तो इसमें तो 10 कट लगेंगे और इसमें कम कट लगेंगे, ठीक है, और ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी 10 10 रहने देते हैं। देखिए अंडो करके जरा हम जन प्लेट मैच करते हैं और अलग अलग क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग करते हैं। इसमें 10 10 है, यहाँ कर देते हैं 12, यहाँ कर देते हैं 20। तो देखिए उस तरह से होगी, ये 20 है, यहाँ पे 20 कट हैं, यहाँ पे 10 कट हैं, यहाँ पे कहीं पे 12 कट हैं, यहाँ पे 10 कट हैं, इस तरह से, ठीक है। अंडो कर लेते हैं, राइट क्लिक करके प्लेट मैच अब पॉलीगनल में देख लेते हैं। तो पॉलीगनल में ट्राइंगल शेप में उसी तरह से नंबर ऑफ बेस आ गए, ये देखिए ट्राइंगल ट्राइंगल शेप। इसके बाद था आपका पैरामेट्रिक मॉडलिंग, इसको अंडू कर लेते हैं। देखिए प्लेट तो बन चुकी है, बीम डिलीट कर देता हूँ बीम कर्सर से। बीम कर्सर लिया, अब सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट हुए बीम हुए उनको डिलीट कर दिया, प्लेट कर्सर दोबारा लिया। इस प्लेट को थिकनेस दे सकते हैं, अभी कोई थिकनेस नहीं है, अगर 3D में आप देखोगे देखिए कुछ भी थिकनेस नहीं है। तो यहाँ से हम थिकनेस दे सकते हैं, कैसे, जनरल से जाएंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जाएंगे थिकनेस, थिकनेस पे क्लिक किया, यहाँ पे डाला 0.2, 200 mm थिकनेस दे देते हैं, ऐड, इसको अप्लाई कर देते हैं। थ्री डी में देखेंगे तो 200 mm थिकनेस चल जाएगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए डबल क्लिक किया मैंने इस पर, तो थिकनेस हर कॉर्नर पे सेम है, यूनिफॉर्म है। अगर मैं दो कॉर्नर की थिकनेस 1 मीटर कर दूँ तो देखिए क्या होता है 3D में, ये देखिए पैरामेट्रिक मॉडलिंग, यहाँ 1 मीटर थिकनेस, यहाँ 1 मीटर थिकनेस और ये 200 mm थिकनेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रस और प्लेट थिकनेस हो गया है और ये चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। प्लेट लोड्स, ये सारे प्लेट लोड है और ये आपका ट्रस और FEM मॉडलिंग, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ इस पर, अगर हम देखिए ये क्या है हमारे ग्लोबल एक्सिस है ना। ग्लोबल एक्सिस का मतलब क्या है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई है और ये क्या है हमारा जेड, ठीक है। तो हम लोड, अगर हम एक्स की डायरेक्शन लोड लगाते हैं ग्लोबल एक्स लोड ऐसे लगेगा, बट इस प्लेट के खुद के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो उसके लिए आप प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस टी, देखिए खुद के इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि ये एक्स है इसका, ये Z है इसका और ये Y है इसका, ठीक है। ये लोकल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी हम लोड लगा सकते हैं, और अगर आप सपोर्ट लाना चाहते हो प्लेट में तो सपोर्ट भी लग जाएगी, क्योंकि सपोर्ट के लिए चाहिए केवल जॉइंट। ये देखिए, ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम में देखते हैं फुल डायमेंशन यहाँ पे आती है नहीं आती विंडो में, तो फुल डायमेंशन नहीं आई है, और डबल क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी के नोड्स कहाँ कहाँ है उनके बारे में बताएगा, प्रॉपर्टी का लेंथ और एरिया, देखिए एरिया भी बता रहा है इस प्लेट का एरिया कितना है। ये लोकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये नोड्स हैं, ठीक है, ये थिकनेस है यहाँ पे, ये पॉइजन रेशियो, इलास्टिसिटी, कंक्रीट की डेंसिटी, ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टी। कंक्रीट हमने डिफॉल्ट थिकनेस जो हमने प्रोवाइड की थी वहीं पे कंक्रीट था आपका।
तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.